आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जोबट विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई संपन्न। जोबट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों, पालक तथा संयोजकों की बैठक में भाजपा प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुहास जी भगत, सह संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। दीप प्रज्वलित कर बैठक प्रारंभ हुई। इस अवसर पर श्री सुहास भगत जी ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव में मतदान केंद्र और पन्ना प्रमुखों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाजपा का कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। जिम्मेदार पदाधिकारी और कार्यकर्ता विजय संकल्प को परिणाम मूलक बनाए। चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, अनेक विकास कार्यों तथा गरीब कल्याण और हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर जो काम हुए, उनको आम मतदाताओं के बीच लेकर जाए। सह संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी शर्मा ने बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बैठक में अलीराजपुर के जिला भाजपा अध्यक्ष श्री वकील सिंह ठकराल, भारतीय जनता पार्टी की जोबट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्रीमती सुलोचना रावत, मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, श्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल, श्री गुमान सिंह दामोर, विधायक श्री रमेश मेंदोला, श्री यशपाल सिसोदिया, श्री देवीलाल धाकड़, पूर्व विधायक श्री मधोर सिंह, श्री नागर सिंह चौहान, जिला प्रधान श्रीमती अनिता चौहान, पूर्व मंत्री श्रीमती रंजना बघेल, श्रीमती निर्मला भूरिया, पूर्व विधायक श्री कालू सिंह ठाकुर, श्री विशाल रावत आदि मंचासीन थे। बैठक का संचालन श्री जैन ने किया। जोबट से महेंद्र जैन के साथ वासुदेव वाणी की रिपोर्ट। 2018 में जब विधानसभा हुआ था, बीजेपी को देखिए, मैंने अभी आपके इसमें रिकॉर्डेड है, मैंने बता दिया कि हमने क्या क्या तैयारियां की। जहां तक 2018 का सवाल है, 2018 में कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचारित करके और भ्रमित करके लोगों से वोट ले लिए। आप जानते हैं कि हमारे जनजातीय समाज के भाई बहन बहुत जल्दी आ जाते हैं। कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया गया था कि हम 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, हम समूह का कर्जा माफ़ करेंगे, हम आंगनबाड़ी का वेतनमान बढ़ाएंगे, हम शिक्षकों को नियमित करेंगे, हम बेरोजगारों को बढ़ा देंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दों के बाद पर आप जानते हैं कि कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में एक भी जो उनकी घोषणाएँ थी वो पूरी नहीं हुई। इसलिए अब हम जनता के सामने उन्हीं बातों को लेकर जा रहे हैं कि जिस मुद्दों पर आपने वोट दिया था, आपको किस प्रकार से भ्रमित किया गया था, आपके साथ किस प्रकार से धोखा हुआ था। और मुझे ये बताते हुए खुश है कि अब हमारा जोबट का जो मतदाता है वो पूरी तरीके से समझ चुका है कि देश प्रेम करने वाली कौन पार्टी है, विकास गरीबों का विकास करने वाली कौन पार्टी है और गरीबों के साथ धोखा देने वाली कौन पार्टी है, ये सब स्पष्ट हो चुका है। सर सुलोचना रावत के पार्टी में आने से कितना फर्क पड़ेगा? सुलोचना रावत हमारी जो बहन है, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई है, तो उससे 1 और 1 11 की स्थिति बनेगी। सर सुलोचना रावत अभी तक 2018 में निर्दलीय लड़ा था, उस समय बीजेपी में नहीं आया और अचानक से बीजेपी में आने का क्या हो रहा है कि बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति है वो बहुत स्पष्ट है। हमारा जो लक्ष्य है वो सर्वहारा वर्ग का विकास करना, गरीबों का विकास करना, और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से बहन सुलोचना कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सर सुलोचना रावत के परिवार ने इस विधानसभा पे सर्वाधिक बार 9 बार तक यहाँ पे राज किया और उसमें जब तक उन्होंने राज किया भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आरोप ये लगाती थी कि वो कभी भी आदिवासी हितैषी नहीं हो सकती और सिर्फ जुमले की बात करते हैं। तो ऐसा क्या उम्मीद की जाए? ऐसा है कि जो सके भाई होते हैं तो उसमें भी एक दूसरे को बुराई नज़र आती है जब उनके हितों की रक्षा नहीं होती। अब चूँकि वो हमारी बहन हो गई है इसलिए अब ये बात बेमानी है।